उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र के मुंडा पांडे ब्लॉक में सभी सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए किट वितरण किए गए। सहायक विकास अधिकारी पंचायत मुंडा पांडे ने सभी गांव में सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को कोरोना से बचने के लिए किट वितरण किए और कहा कि हर गांव के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। गाँव के अंदर जाकर सभी को समझाना है कि अपने घरों से बाहर ना निकले और ना ही रोड पर जाएं। घर के अंदर रहकर गर्म पानी का इस्तेमाल करें और हाथ धोकर ही खाना खाएं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इससे लोगों की मौत भी हो रही है। इसी बात को लेकर सहायक विकास अधिकारी ने सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि हर गांव के सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, जिसकी वजह से गांव के अंदर बीमारी से बचाव किया जा सकता है। वही सफाई कर्मचारियों के चेहरों पर भी एक खुशी दिखाई पड़ी। आज क्या चीज बदल कर रहे हैं आप लोगों से? आज COVID-19 जो एक संक्रमण बीमारी चल रही है, उसमें हमारे शासन की ओर से दिशा निर्देश हैं कि गांव पंचायत में साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सफाई कर्मियों को ग्लिप्स एंड मास्क तथा पूरी सफाई कर्मियों की किट प्रदान की गई है। कितने लोगों की है यहाँ? हमारे जो है 108 सफाई कर्मी हैं, सभी लोगों को किट प्रदान की गई है और यहाँ नियमित रूप से ये सफाई कर रहे हैं ताकि सफाई में गति मिले और लोगों को संक्रमणता से बचाया जा सकते, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, मुंडा पांडे की जनता को क्या अपील करना चाहोगे आप? मुंडा पांडे की जनता से ये अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं जिलाधिकारी महोदय के लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं, उन्हीं निर्देशों के क्रम में मैं ये कहूँगा कि घर से बाहर ना निकलें, हर दिन में कम से कम 1 मिनट तक हाथ धोएं, अपने बच्चों को 1 मीटर की दूरी पर बैठने के लिए कहें और रोजाना गुनगुना गर्म पानी पिएं। जिन घरों में दूध हो रहा है उसको एंटीबायोटिक दवा के तौर पर उसमें हल्दी डालकर पी सकते हैं, तो गर्म सरसों का तेल लगाकर उसमें नीम के पत्ते लगाकर डालकर भी उसको हम दवाई बना सकते हैं और हथेलियों से और तलुओं से लगा सकते हैं, जाकि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, बड़ों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। पास साफ सफाई का ध्यान रखें, नियमित स्नान करें।